मेरठ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। ये गिरोह खासकर व्यापारियों को अपना निशाना बनाता था। गिरोह के सदस्य हथियारों की नोक पर राहगीरों से लूटपाट करते थे, जो अब तक दर्जन भर से ज्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सीओ ब्रह्मापुरी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि 22 दिसंबर की शाम को टीपी नगर की बागपत रोड पर नक्स ट्रेडिंग कंपनी में बाइक सवार 3 लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना स्थल के निकट लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हो गई थी। उसी के आधार पर तलाश करते हुए पुलिस ने जौनी के तिमिकिया गांव निवासी नवनीत उर्फ मीनू और अमित को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से लूट में प्रयुक्त अपाची बाइक, 2 तमंचे और लूटी गई रकम में से लगभग 6000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनके ऊपर मेरठ बागपत सहित विभिन्न जनपदों में लूट और हत्या के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी पैरवी के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। 22 दिसंबर की शाम को उन्होंने अपने साथी मीनू और उसके एक अन्य दोस्त के साथ बेगमपुर पुल पर शराब पी और उसके बाद सभी लोग लूट का शिकार तलाश करने लगे। रास्ते में नक्स ट्रेडिंग कंपनी पर अकेले बैठे व्यापारी को देखकर उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। सीओ ब्रह्मापुरी ने बताया कि आरोपी के फरार साथी मोनू की तलाश की जा रही है। ये दिनांक 22 दिसंबर 2019 को टीपी नगर थाना क्षेत्र के बागपत रोड पर नक्स ट्रेडिंग कंपनी में एक लूट शाम 7:30 बजे के आसपास कारित की गई थी, जिसमें बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हुए थे। इन्हीं की तलाश के दौरान 29 तारीख को एसओ टीपी नगर को जरिए मुखबिरान सूचना प्राप्त हुई, जिस पर इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 अभियुक्त नवनीत उर्फ मीनू और अमित पुत्र जयवीर गिरफ्तार हुए हैं। टिमकिया जानी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से एक एक अवैध तमंचा और लूट में जो धन गया था उसमें से लगभग 3000 रुपए प्राप्त हुए हैं। सर, इनका क्या अपराधी की क्या सजा? ये दोनों के विरुद्ध जो है 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों गंभीर प्रकृति के अपराधी हैं। लूट हत्या जैसे गंभीर अपराध इनके विरुद्ध पूर्व में ही पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध 7 संकलन करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया है? ये जैसा कि आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, ये तीनों लोग पहुंचे और ओवर पावर्ड करके वहाँ पे गल्ले में जो सामग्री थी, जो धन पैसा वगैरह था, वो लूट ले गए थे। शीघ्र ही इनकी पहचान सुनिश्चित कराई गई और सूचना प्राप्त होते ही इनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी की 1 सप्ताह के भीतर इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। सर, मेरठ जनपद के अलावा कहीं बाहर भी इन्होंने? नहीं, इनमें बागपत मेरठ में विभिन्न थानों में है, लाल कुर्ती है, सिविल लाइन है। इसके अलावा 1-2 घटनाएं इनकी बागपत में भी हैं, जो हमारे मेरठ में और अभी की जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी और जानकारी की जा रही है। धन्यवाद।